गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेलोसिटी और जो है स्पीड के बारे में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं न्यू लेक्चर, इसमें हम पढ़ेंगे बेटा एक्सेलरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन थे ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बेटा हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड और वेलोसिटी, तो बेटा आपको बहुत अच्छे से पता है स्पीड जो होती है हमारी वो क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। एंड वेलोसिटी क्या होती है बेटा हमारी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बेटा इन दोनों में एक तो डिफरेंस यही हुआ। सेकंड डिफरेंस क्या होगा बेटा, यहाँ पे स्पीड जो होती है हमारी ये कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। और ये कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, वेलोसिटी हमारी जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। थर्ड इसमें आप डिफरेंस लिख सकते हो, जो स्पीड होती है हमारी कांट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। बट वेलोसिटी होती है हमारी वो क्या हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। और जो स्पीड जो है हमारी वो सिर्फ क्या हो सकती है, या तो ज़ीरो हो सकती है या फिर जो है पॉजिटिव हो सकते हैं, कभी भी स्पीड हमारी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो बेटा ये क्या होंगे, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस होंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है बेटा, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो किस जो है कंडीशन में हमारी जो एवरेज स्पीड है वो किसके इक्वल होगी, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो बेटा इसमें क्या होगा, यदि हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा होगा, एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा होगा। कैसा पाथ फॉलो कर रहा होगा बेटा, स्ट्रेट पाथ। तो उस केस में जो है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, सेम। और यदि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी और स्पीड दोनों, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। तो इसमें क्या होगा बेटा, यदि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो वहाँ पर क्या होगी हमारी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो बेटा ओडोमीटर जो होता है हमारा ये क्या होता है, ये जो बाइक या फिर कार में जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो डिवाइस लगाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या जो है मेज़र करता है बेटा, ये मेज़र करता है कि कितना डिस्टेंस हमने जो है कवर किया है। तो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा किस मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में, किस में होगा बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन को हमने डिफाइन किया था, इट इज़ द व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट टाइप ऑफ मोशन इज़ यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा कोई भी उसका जो है पाथ हो सकता है, चाहे वो जिगजैग मोशन करे या फिर सर्कुलर मोशन करे, है ना, चाहे वो सर्कुलर मोशन में जो है मूव कर रहा है या फिर वो जिगजैग मोशन कर रहा है, यदि उसका डिस्टेंस कवर बाय टाइम, ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है ना, मींस उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो उस केस में क्या होगा बेटा, उसकी स्पीड जो है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो उस केस में क्या होगा हमारा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा बेटा, पाथ हमारा कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर पाथ भी हो सकता है ना, या फिर लीनियर पाथ भी हो सकता है। तो कोई भी पाथ हो सकता है, बशर्ते वहाँ पर क्या होना चाहिए, उसकी जो है स्पीड जो है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा हमारे यहाँ पर, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम स्पेस शिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। तो टाइम हमें कितना दिया है बेटा यहाँ पर, टाइम हमें गिवन है 5 मिनट। एंड व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेस शिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। तो हमें मेजर क्या करना है बेटा, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो ये हमें क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। द सिग्नल ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ, स्पीड हमें जो है गिवन है यहाँ पर, स्पीड कितनी है बेटा यहाँ पर, 3×10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहाँ पे देखो, टाइम जो हमारा गिवन है वो गिवन है मिनट में, और जो स्पीड गिवन है हमारी वो किस में गिवन है बेटा, मीटर पर सेकेंड में। तो सबसे पहले इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे, 5×60, तो कितना हो जाएगा ये, 300 सेकेंड।
तो अब हमें जो है फॉर्मूला पता है बेटा, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो बेटा स्पीड हमें पता है 3 × 10⁻¹⁸, और टाइम हमारा जो है वो कितना है बेटा यहाँ पर 300 सेकेंड। तो बेटा ये किस में आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा मीटर में। तो इसको सोल्व करेंगे बेटा कितना होगा, 9 × 10⁻¹⁰ मीटर। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा स्पेसशिप का फ्रॉम ग्राउंड। तो इसके बाद बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन, तो बेटा हम जो है डिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में बेटा, एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद। तो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्सेलरेशन। टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो बेटा यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड नहीं है। मींस इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये कैसी क्वांटिटी होगी हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है, इसकी जो यूनिट होती है ये होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट होगी। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है हमारा, वो भी हमारा जो है दो टाइप का होता है। एक तो हमारा होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस के। सपोज एक बाइक है और वो एक रोड पर जा रही है विद ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, और जाते जाते उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, सपोज उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है बेटा, डिक्रीज होती जा रही है। और यहाँ आके उसकी जो जो है वेलोसिटी रह जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रही है बेटा, टाइम के साथ जो है चेंज हो रही है। यदि हम यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे बेटा, एक्सेलरेशन क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो 30 माइनस 60, तो ये कैसा आएगा बेटा, ये ऑलवेज कैसी आएगी, यहाँ पर नेगेटिव आएगी। तो जब भी हमारी एक्सेलरेशन जो होती है वो नेगेटिव में होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे हम रिटार्डेशन। यदि हमारी नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, मींस यदि हमारी स्पीड जो है टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर क्या हो रही है, रिटार्डेशन। हम बाइक पे जा रहे थे, हमने जैसे ही ब्रेक लगाई, मींस वहाँ पर क्या हुआ बेटा, रिटार्डेशन हुई, हमारी स्पीड क्या होनी स्टार्ट हो गई, डिक्रीज होनी शुरू हो गई। यदि हम उसको एक्सेलरेट करते हैं मींस हम स्पीड को क्या कर रहे हैं बेटा, इंक्रीज कर रहे हैं। और यदि हम स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रही है, वहाँ पर एक्सेलरेशन हो रही है, वहाँ पर क्या हो रही है बेटा, एक्सेलरेशन हो रही है। तो यही हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटा, एक्सेलरेशन का एंड रिटार्डेशन का। यदि एक्सेलरेशन हमारी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हो रही है, हमारी एक्सेलरेशन हो रही है। और यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो तीन केस यहाँ पे बनेंगे बेटा। सबसे पहला केस, यदि हमारी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। सपोज एक जो बाइक है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता जा रहा है, लेकिन इसकी स्पीड जो है अब जो है वेलोसिटी सॉरी वो क्या नहीं हो रही है, अब चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे भी 60 थी और फाइनल वेलोसिटी भी क्या है, 60 है।
यदि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी बेटा, ज़ीरो होगी। तो जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जो उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगी बेटा, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी। क्या होगी बेटा, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी, मीन्स वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो वहाँ पर उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा, ज़ीरो होगी। थर्ड केस बेटा हम यहाँ पे कर लेते हैं, यदि उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, इंक्रीज़ हो जा रही है, वेलोसिटी क्या हो जा रही है, इंक्रीज़ हो जा रही है, तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी बेटा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा, यहाँ पर जो है वेलोसिटी हमारी इंक्रीज़ होगी। इस केस में वेलोसिटी क्या हुई थी बेटा, इस केस में वेलोसिटी जो है हमारी क्या हुई थी, डिक्रीज़। इस केस में वेलोसिटी हमारी क्या होगी, कॉन्स्टेंट। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो मतलब वेलोसिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज़। इसके बाद हम करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन जो है हमारा वो भी जो है, एक्सेलरेशन हमारा जो है कितने टाइप का होता है बेटा, ये भी हमारा जो है, ये भी हमारा जो है बेटा दो टाइप का होगा। सबसे पहला जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और सेकंड क्या होगा बेटा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले सपोज हमने एक पत्थर को एक बिल्डिंग से ऊपर से छत से नीचे की तरफ डाला, तो इस केस में क्या होगा बेटा, इसकी स्पीड जो है वो, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, नहीं होगी, इंक्रीज़ होगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, लेकिन जो वेलोसिटी इंक्रीज़ होने का जो रेशो होगा, या फिर उसको कह सकते हैं जितने टाइम में वेलोसिटी जो इंक्रीज़ हो रही होगी, वो कैसा होगा बेटा, यूनिफॉर्म होगा। वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। मीन्स यहाँ पर जो सपोज फर्स्ट एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई होगी, सेकंड में भी उतनी ही वेलोसिटी हमारी क्या हुई होगी, इंक्रीज़ हुई होगी। तो जैसे हमने जो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इक्वल वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट टाइप ऑफ मोशन इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, फॉलो होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हम कुछ एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहला एग्जांपल यदि हम ले सकते हैं, मोशन मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी। यदि ग्रेविटी के अंडर कोई भी चीज़ हमारी मूव करती है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या रहता है बेटा, कॉन्स्टेंट रहता है। यदि हम कोई पत्थर को ऊपर से फेंकते हैं तो उस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन है आपको बहुत अच्छे से पता होगा, तो हम क्या लेते हैं बेटा, 9.8 है ना मीटर पर सेकंड -2। तो ये कैसा होगा बेटा, एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होगा। इस एक्सेलरेशन से हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्या कर रहा होगा बेटा, मूव कर रहा होगा। थर्ड यदि हम सेकेंड यदि हम एग्जाम्पल लें बेटा, बॉल रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, तो इस केस में भी बेटा कैसा मोशन होगा हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। या फिर कह सकते हैं यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, वेलोसिटी जो है हमारी यहाँ पर क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी बेटा, कॉन्स्टेंट होगी। इसके अपोजिट हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा बेटा, जिसमें वेलोसिटी हमारी क्या करेगी, वेरी करेगी। या तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी या फिर वेलोसिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी हमारी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। क्या रहती है बेटा, कॉन्स्टेंट रहती है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में या तो वेलोसिटी हमारी इंक्रीज करेगी या फिर वेलोसिटी हमारी डिक्रीज करेगी। इसके अलावा जितने भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, यदि एक बाइक है वो एक पाथ फॉलो कर रही है लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, तो उस केस में हमारा कौन सा एक्सेलरेशन होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसके बाद तो हमने जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया बेटा, ये जितने कॉन्सेप्ट थे हमारे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। तो अब हम बेटा इससे आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन।